हाय फ्रेंड, मैं अमृता सिंह, मैं अपने चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड, आज मैं ये तोता लेके आई हूँ। काफी प्यारा तोता है। आज मैं आपको इसकी कटिंग बताऊंगी, इसको कैसे सिलते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड, काफी प्यारा है। आप अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं, किसी को गिफ्ट करने के लिए बना सकते हैं, नहीं तो आप इसको बना के घर पे डेकोरेट भी कर सकते हैं। काफी प्यारा लगेगा एंड इसको बनाना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। सबसे पहले हम इसका मटेरियल देख लेते हैं, हमें किस किस मटेरियल की जरूरत है। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको इस पैटर्न की जरूरत पड़ेगी, जिसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से निकलवा के डाउनलोड करके आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमें कैंची चाहिए काटने के लिए, मार्कर निशान लगाने के लिए, ये ऐसा आई चाहिए, टेडी वाला आई। और इसके बाद ये हमें फाइबर चाहिए, ये करीब हमें 200 ग्राम चाहिए एक पैरेट बनाने के लिए। इसके बाद ये हमें जो फर चाहिए, हम देखते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड, ये इसका लॉन्ग फर है, जो हम इसका पंख बनाएंगे उसमें हमें जरूरत है। तो ये हमें करीब 15 सेंटीमीटर चाहिए, ग्रीन कलर का देख सकते हैं, लॉन्ग फर है ये। इसके बाद फ्रेंड, ये हमें रेड कलर का चाहिए, ये भी हमें उसका बस थोड़ा सा चाहिए चोंच बनाने के लिए, बस थोड़े से कपड़े की जरूरत है रेड। ये देख सकते हैं फ्रेंड, ये कारपेट है, मोटा वाला कारपेट मैंने लिया है, आप इसके जगह वॉल्वो भी यूज कर सकते हैं। एंड इसके बाद फ्रेंड, ये हमें ग्रीन कलर का चाहिए, जो इसकी पूरी बॉडी होगी वो इस ग्रीन से बनेगी। तो ये हमें करीब 25 सेंटीमीटर चाहिए, ये भी देख सकते हैं, ये मोटा वाला कारपेट है। इसके बाद फ्रेंड, मैंने ये ब्लैक कलर का लिया है, ये फेल्ट है फ्रेंड। आप मेरे पास अभी ग्रीन कलर का नहीं है, इसलिए मैं ब्लैक यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास ग्रीन हो तो आप ग्रीन ही यूज करें, क्योंकि ये पंख के नीचे लाएगा तो ये चला जाएगा, इसलिए मैं इसे यूज कर रही हूँ। मेरे पास ग्रीन नहीं है, तो आपके पास ध्यान रखिए, ग्रीन हो तो आप ग्रीन का ही यूज करें। एंड इसके बाद फ्रेंड, हमें ये येल्लो कलर का मैंने यहाँ पे वॉल्वेट लिया है, देख सकते हैं, या इसको कारपेट भी, पतला वाला कारपेट भी बोल सकते हैं, या इसके जगह पे फ्रेंड आप, अगर वॉल्वो नहीं है, आप इसके जगह ये मोटा वाला कारपेट भी यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये हमें करीब आपको 15 सेंटीमीटर ये भी चाहिए येलो कलर फॉर। इसके बाद हम इसके कटिंग पे चलते हैं फ्रेंड। तो ये देखिए कटिंग इसका हमें कैसे करना है फ्रेंड, आप देख सकते हैं इस पे मैंने ऑलरेडी निशान लगा लिया है, इसको बस हमें कट करना है। तो ये देखिए कैसे इसको लगाना है। पहले जैसे कि फ्रेंड आप देख सकते हैं, इस पे मैंने लिखा है, ये इसका बॉडी पार्ट है, इस पे टू कट करना है, इसका वन रिवर्स करके। तो जैसे कि एक पार्ट हम इसका ऐसे रख कर इसको निशान लगाएंगे, और फिर दूसरा वाला पार्ट इसको ऐसे रख कर निशान लगा के तब इसे कट करना है। मतलब कि हमें बिल्कुल ध्यान देना है, एक ऐसे तो दूसरा रिवर्स, इसको पलट कर ऐसे और निशान लगा के तब कट करना है। तो जिसका भी फ्रेंड हमें टू पार्ट कट करना है, तो उसका ध्यान देना है कि रिवर्स करके ही कट करना है। उस पर हर एक पार्ट पे लिखा हुआ है कितना रिवर्स करना है, तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसका मैंने देख सकते हैं निशान लगा दिया है, और इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमें बिल्कुल अच्छे से इसकी कटिंग कर लेनी है, सारे पार्ट की निशान लगाकर, और आप इसको अच्छे से कट कर लें। ये देखिए, ये देख सकते हैं फ्रेंड, एक पार्ट हमारा कट हो गया है। ऐसे ही हम दूसरे वाले को कट करेंगे, और फिर जितने भी पार्ट में फ्रेंड कट, जब सिलते टाइम मैं बता दूंगी कितना किसको और कैसे रिवर्स करना है। तो चलिए पहले ऐसे ही हम सारे पार्ट को कट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, हमने सारे ड्राफ्ट की कटिंग कर ली है, अब हम इसके सिलाई पे चलते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, सबसे पहले मैं ये इसका चोच ले रही हूँ, जो इसका चोच है इसे हमें रेड कलर पे कट करना था, रेड वाले कारपेट पे देख सकते हैं, एक ऐसे और इसका दूसरा रिवर्स करके ऐसे कट करना था। तो हमें क्या करना है, इसको लेना है और इसको ऐसे सिलाई लगाना है। तो देखिए जैसे कि ये हो गया, मैं आपको बताती हूँ, ये वाला पार्ट ऊपर वाला छोड़ के और ये यहां से लेकर पूरा यहां तक इसकी सिलाई लगानी है। तो चलिए इसकी सिलाई लगाते हैं। सबसे पहले डबल फोल्ड धागा लेना है और इसको ऐसे डालना है,
ये देख सकते हैं, पहले हमें यहाँ पे गांठ बना देना है। ये देखिए, इसके बाद हमें इसको पूरा गांठ बनाते हुए इसकी सिलाई लगानी है। अगर आप सिलाई मशीन से सिलाई करना जानते हैं तो आप सिलाई मशीन से भी लगा सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये जो इसका ये राउंड वाला पार्ट आ रहा है, इसके अंदर हमें इसको ऐसे डाल के और तब इसकी सिलाई लगानी है। ये देखिए, ऐसे ये गांठ बनते जाएगा और ये अच्छे से सिल जाएगा। ये देखिए, ये राउंड वाला आया और इसी में हमें, ये देखिए ये राउंड वाला है और इसी में हमें इसके सुई को निकाल के ऐसे सिलाई लगानी है। ऐसे ही करके हमें इस पूरे चोच की सिलाई लगा लेनी है। ऐसे ही फ्रेंड सारे पार्ट का सिलाई ऐसे ही लगाना है। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड, हमने इस चोच को तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं, ये वाला पार्ट इसका ओपन है, इसे बाद में हम यहाँ से सीधा करेंगे। और ये देख सकते हैं इसके सिलाई हो चुकी है। इसके बाद फ्रेंड हम इसके लेग पे चलते हैं, इसके पैर पे। ये देखिए फ्रेंड, इसका हमें फोर पार्ट कट करना था येलो पे। आप देख सकते हैं हमने इसका फोर पार्ट कट किया है येलो पे। फ्रेंड इसका भी हमें जैसे कि एक ऐसे, दूसरा ऐसे रिवर्स करके, फिर एक ऐसे और दूसरा इसको ऐसे रिवर्स करके, मतलब कि दो ऐसे रख कर निशान लगा कट करना है और फिर इसका दो पार्ट ऐसे निशान लगा के कट करना है। इसका हमें फोर पार्ट कट करना है। तो ये देखिए इसकी सिलाई कैसे करेंगे, इसको ये दोनों ऐसे रखेंगे, सीधा वाले पार्ट को अंदर रखेंगे और ये उल्टे वाले पार्ट को ऐसे उल्टे साइड से, ये देखिए, और इसको ऐसे रखने के बाद इसका ये वाला पार्ट ओपन रहेगा और बाकी ये यहाँ से लेकर ये पूरा यहाँ तक इसकी हम सिलाई लगा देंगे। इस पे दिखाते हैं, ये इसका ये वाला पार्ट ओपन रहेगा और ये पूरा यहाँ से ये लेते हुए ये ऐसे यहाँ तक ये सिलाई लग जाएगा। तो जैसे हमने चोच का सिलाई किया है, इसके भी हमें वैसे ही सिलाई लगानी है। ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा इसका लेग है, ये सिल चुका है। देख सकते हैं हमने इसको चारों साइड से पूरा सिलाई लगा दिया है। ये वाला पार्ट ओपन है। इसके बाद फ्रेंड एक ये वाला पार्ट है, ये इसका पंख है, ये इसका विंग्स है, इसका हमें फोर पार्ट कट करना था। तो फ्रेंड दो पार्ट हमें इसको फील्ड पे कट करना है। देख सकते हैं हमने यहाँ पे ये ब्लैक कलर के फील्ड पे कट किया है और दो पार्ट इसका ये लॉन्ग वाले फर पे कट करना था। तो ये देखिए, एक पार्ट को ऐसे रख के इसका दूसरा रिवर्स करके ऐसे, और फिर फील्ड पे भी फ्रेंड हमें ऐसे ही दो पार्ट कट करना था, एक ऐसे और इसका दूसरा ऐसे। तो इस वाले पार्ट का हमें फोर पार्ट कट करना है, दो फील्ड पे और दो फर पे। तो ये देखिए फ्रेंड, इसको हमें कैसे सिलाई लगानी है। फ्रेंड मैं आपको एक बात बता देती हूँ, मेरे पास ये वाला पार्ट ग्रीन नहीं है। अगर आपके पास ग्रीन हो तो आप ग्रीन पे ही इसकी सिलाई लगाइए। मेरे पास नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे इसको ब्लैक लगा रही हूँ, ग्रीन अभी मेरे पास नहीं है। तो ये देखिए फ्रेंड, इसको क्या करना है, सबसे पहले हमें इस वाले पार्ट को लेना है, एक वाले पार्ट को, ये देखिए एक फर वाले पार्ट को लेना है और एक ये फेल्ट वाले हिस्से को ऐसे लेना है। और इसको ये पार्ट ओपन रहेगा, ये ऊपर से ओपन रहेगा फ्रेंड, और इसके ये पूरा साइड से यहाँ तक ये राउंड में सिलाई लगा देना है। ये पार्ट ओपन रहेगा, यहाँ से लेके ये पूरा यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। फ्रेंड जब हम इसकी सिलाई लगाएंगे तो जो फर वाला हिस्सा है इसको हमें ऐसे अंदर कर देना है, अंदर कर करके तब इसकी सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, ये ऐसे अंदर करते हुए और तब इसको हमें इसके चारों साइड से सिलाई लगा देनी है। ये देखिए फ्रेंड, हमने इसका सिलाई भी लगा लिया है, देख सकते हैं आप। मैं इसको आपको सीधा करके बताती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पे ये आप इसको ऐसे देख सकते हैं फ्रेंड। ये हमें तो फ्रेंड जब इसे सिलाई लगाए तो ध्यान दे, फर वाले पार्ट को अंदर करके ही सिलना है, तभी जाके ये बाहर सीधा करने पे ये ऐसे सीधा निकल के आएगा। नहीं तो अगर आप उसको अंदर नहीं करेंगे तो फिर उसको दिक्कत होगा, वो दिखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हमें इस बात का ध्यान देना है। ये देख सकते हैं ये दोनों इसका फर सिल चुका है। हम इसके बॉडी पार्ट पे चलते हैं फ्रेंड। तो ये देखिए, ये इसका बॉडी पार्ट है फ्रेंड। इसका हमें दो पार्ट कट करना था, वन रिवर्स करके। ये देखिए, एक ऐसे दूसरा रिवर्स करके ऐसे हमें इसे कटिंग करना था। देख सकते हैं, एक ऐसे दूसरा रिवर्स ऐसे।
अभी देखते हैं हमें इसका सिलाई कैसे लगा करना है फ्रेंड। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले एक के ऊपर एक रखेंगे, ये देखिए, इसको रखने के बाद फ्रेंड इसके एक साइड से हम सिलाई लगाएंगे, ये देखिए। ये देखिए फ्रेंड, इस पे मैंने ए और बी लिखा है, यहाँ से ए और बी लिखा हुआ है, तो हमें यहाँ से इसकी सिलाई लगानी है फ्रेंड। तो ये देख सकते हैं हमने ये दो पार्ट ऐसे लिया हुआ है, तो इसे कैसे सिलाई लगाना है, इसके इस वाले पर जिस साइड ए और बी लिखा है, तो पहले ऊपर से हम सिलाई लगाते लगाते यहाँ यहाँ तक सिलाई लगाएंगे इतना। इसके बाद फिर फ्रेंड हमें बीच में इतना थोड़ा सा गैपिंग रखना है, इतना ये गैप रखेंगे। इसके बाद फिर यहाँ से लेकर बीच नीचे तक हम इसकी सिलाई लगाएंगे, ये बीच वाला पार्ट हमें थोड़ा सा ओपन रखना है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सी और डी। फ्रेंड आपको पैटर्न में ये लिखा हुआ मिलेगा, तो ये सी और डी से लेकर हमें बीच वाले पार्ट को इसमें हमें ओपन रखना है, और ऊपर का सिलाई ए और सी तक ऊपर का इतना सिलाई लगा लेंगे, फिर ये डी और बी तक इतना सिलाई लगा लेंगे, ये वाला पार्ट ओपन रहेगा ताकि यहाँ से हम इसको बाद में सीधा कर सके। तो इसकी चलिए इसकी सिलाई लगाते हैं। ये देखिए फ्रेंड, हमने इसकी सिलाई लगा ली है, ऊपर से थोड़ा सा सिला है और ये नीचे से, और ये बीच वाला पार्ट देख सकते हैं फ्रेंड ये ओपन है, यहाँ से हम इसको बाद में सीधा करेंगे। इसके बाद फ्रेंड हम इसके आगे का पार्ट सिलाई करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, एक ये वाला पार्ट है, ये भी इसका पेट है, इसका बेली है ये, तो इसका हमें वन पार्ट कट करना था ग्रीन पे, ये देख सकते हैं मैंने इसको ग्रीन पे कट किया है। इसके बाद फ्रेंड हम इसे क्या करेंगे, ये तो हमारा दो पार्ट सिल चुका है, इसको हम ऐसे पकड़ेंगे और इसको ऐसे, पहले तो इसके एक वाले पार्ट से, ये देखिए फ्रेंड ये हमारा कुछ ऐसे था, सिलाई करने के बाद इसको ऐसे रखेंगे और यहाँ से इसको ऐसे सिलाई लगानी है। तो ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसको हम ओपन रखेंगे, और इसके ये जो साइड वाला पार्ट है फ्रेंड, इसको इस साइड से हम पूरा इसको नीचे तक यहाँ तक इसकी सिलाई लगाएंगे, और फिर इसको इस वाले के बाद इधर से ये पूरा यहाँ तक हम इसके नीचे तक सिलाई लगाएंगे, ये पार्ट हम ओपन रखेंगे ताकि यहाँ से इसका हम हेड जॉइंट कर सके। ये देखिए फ्रेंड, हमने इसका इसका जो पेट था, हमने इसका स्टमक, इसका सिलाई लगा लिया है, देख सकते हैं ये दोनों साइड से जुड़ चुका है। ये इसका पीछे वाला पार्ट है फ्रेंड, देख सकते हैं पूरा अच्छे से ये जुड़ चुका है। इसके बाद फ्रेंड हम आगे के पार्ट पे चलते हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये इसका फेस है, इसका भी हमें दो पार्ट कट करना था, एक ऐसे और इसको दूसरा रिवर्स करके ऐसे, हमें ध्यान रखना है एक ऐसे दूसरा ऐसे, इसको भी हमें ग्रीन पे कट करना था। तो ये देख सकते हैं दो पार्ट कट हुआ है। इसके बाद फ्रेंड एक इसका ये वाला पार्ट है, ये हमें येलो पे कट करना था, ये देखिए ये वाला पार्ट, ये भी हमें दो पार्ट कट करना था, एक ऐसे और इसका दूसरा रिवर्स ऐसे ऐसे करके। इस वाले पार्ट को फ्रेंड क्या करेंगे, हम यहाँ पे अटैच करेंगे, ये देखिए एक को इसमें अटैच करेंगे और दूसरे वाले को इसमें। ये जो फ्रेंड इसका राउंड वाला ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट में हम इसको यहाँ पे ऐसे अटैच करना है, इसको यहाँ पे ऐसे सिलाई लगानी है फ्रेंड। और ये वाला फ्रेंड, जब ये वाली सिलाई लग जाएगी, ये वाला जब येलो वाला पार्ट हम इसको इसमें अटैच कर लेंगे, इसके बाद फ्रेंड क्या करेंगे, हम इस वाले पार्ट को ऐसे पलट के, ये देखिए ये ऐसे, फिर इसके बाद ये वाला ओपन छोड़ देंगे फ्रेंड। ये येलो वाला पार्ट अटैच करने के बाद ही इसकी आगे की सिलाई लगानी है, ये वाला पार्ट ओपन रहेगा, इसके बाद ये वाला पार्ट पूरा, ये येलो वाला पार्ट इसमें ज्वाइंट हो जाएगा, यहाँ से लेकर ये पूरा यहाँ तक सिल जाएगा, और इसके बाद ये वाला जो पार्ट है फ्रेंड ये भी सिल जाएगा। हमें ध्यान देना है फ्रेंड, यहाँ से शुरू करना है, यहाँ से ये यहाँ तक ये येलो वाला पार्ट इसमें ऐसे रहेगा, तो ये थोड़ा सा सिल जाएगा। इसके बाद ये फ्रेंड जो इसका ये राउंड वाला पार्ट है, ये देखिए ये ऐसे है, इसका ये जो राउंड वाला पार्ट है इसको सिलाई नहीं लगानी है, तो ये इतना सिलना है, ये ओपन रहेगा। इसके बाद ये पूरा यहाँ से ये लाते हुए यहाँ तक इसकी सिलाई लगा देनी है, ये वाला पार्ट ओपन रहेगा, ये इसका फेस है, ये बॉडी के साथ अटैच होगा।
ये देखिए फ्रेंड, हमने जो इसका फेस है इसको अटैच कर लिया है, देख सकते हैं ये पूरा सिलाई लग गई है। और ये येलो वाला जो पार्ट था ये भी इसमें लग चुका है, देख सकते हैं फ्रेंड। इसके बाद हम इसका इसमें चूच अटैच करेंगे। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड, मैंने आपको पहले ही बताया था इसको सिलने के लिए, तो ये सिलकर तैयार हो चुका है। और इसके बाद हम इसको इसमें अटैच करेंगे उल्टे साइड से। ये देखिए इसको फ्रेंड यहाँ पे अटैच कर देना है बिल्कुल। पहले आप क्या करेंगे, ये ऊपर वाला जो ओपन वाला पार्ट है फ्रेंड यहाँ पे एक, और इसकी जो सिलाई जा रही है यहाँ से एक टाका लगा लेंगे। फिर नीचे वाले पार्ट में यहाँ पे एक छोटा सा टाका लगाएंगे, उसके बाद ये पूरा राउंड में लेते हुए इसकी सिलाई कर देंगे फ्रेंड। टाका इसलिए लगाते हैं ताकि जो उसका चोच है अच्छे से बैठ जाए और इधर से उधर ना हो, इसलिए इसको टाका लगाते हैं फ्रेंड। ये देखिए फ्रेंड, हमने इसका चोच लगा दिया है, देख सकते हैं आप। इसका चोच लगाने के बाद फ्रेंड हम इसकी आई लगाएंगे, इसका आई लगाएंगे। तो आई देख लीजिए कैसे लगाना है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे निशान बनाएंगे दोनों साइड से बिल्कुल एक बराबर। ये देखिए ऐसे करने पे, ताकि ये बिल्कुल एक निशान से सामने सामने हो। और निशान लगाने के बाद फ्रेंड हम इसको कट करेंगे, बिल्कुल छोटा सा कट करना है फ्रेंड, बड़ा नहीं। अगर बाय मिस्टेक आपसे बड़ा हो जाता है तो घबराना नहीं है, आप इसको सुई से हल्का सिलाई लगा दें। ये देखिए ये कट हो गया है। इसके बाद इसका आई लगाएंगे हम। तो ये देखिए इसको नीचे से ऐसे डालना है और ये लगा लेना है। ये हल्का प्रेस करने के बाद फ्रेंड ये लग जाता है, देख सकते हैं ये इसकी आई लग गई है। नेक्स्ट इधर वाला भी फ्रेंड हम वैसे ही लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, ये दोनों साइड से हमारी आई लग चुकी है। इसके बाद हम इसका बॉडी अटैच करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, ये पीछे वाला भाग है फ्रेंड, तो पीछे वाले भाग को छोड़कर, ये देखिए ये पीछे वाला भाग को छोड़कर, और ये दो जो सिलाई आ रही है सामने से, इसको ऐसे रखेंगे और तब इसकी सिलाई लगाएंगे, इसका हेड अटैच करेंगे इसमें। तो ये देखिए सबसे पहले तो क्या करेंगे फ्रेंड, ये जो दो सिलाई आ रही है आप देख सकते हैं, इसका जो ये पेट है यहाँ से, पहले इसको हम ऐसे बीच वाला पार्ट ऐसे फोल्ड करके इसके बीच वाले पार्ट में हम यहाँ पे निशान लगा देंगे। और निशान लगाने के बाद देखिए इसकी कैसे सिलाई लगानी है। इसके बाद फ्रेंड ये जो चोंच वाला हिस्सा है फ्रेंड, ये सामने से चोंच वाले के पास, वहां से जहां से हमने ये इसके स्टमक पे हमने ये निशान लगाया था, यहाँ पे हम एक पहले टांका लगा देंगे छोटा सा। ये देखिए यहाँ पे आप एक पहले छोटा सा टाका लगा ले। उसके बाद जो ये पीछे वाली हमारी बैक साइड वाली सिलाई आ रही है ओपन वाले पार्ट के पास से, यहाँ पे ये जो इसकी हेड का सिलाई आ रहा है फ्रेंड, यहाँ पे इसको यहाँ पे एक छोटा सा टाका लगा देंगे फ्रेंड। और इसको यहाँ पे ऐसे पहले छोटा सा टाका लगा देंगे। उसके बाद टाका लगाने के फ्रेंड ये जितनी साइड हमारी ये ओपन है, ये पूरा इसका नेक इसमें अच्छे से अटैच कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमने इसका जो नेक है पूरा चारों साइड से अटैच कर लिया है, ये देख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड हमने जहां से ये ओपन रखा था यहां से हम इसे सीधा करेंगे, तो अच्छे से इसको पूरा सीधा कर ले। ये देखिए फ्रेंड, हमने इसको सीधा कर लिया है अच्छे से, देख सकते हैं। इसके बाद हमने जहां से ये ओपन रखा था सीधा किया, यहां से हम इस पे फाइबर डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। तो सबसे पहले फ्रेंड इसके आप चोच में इसमें अच्छे से बिल्कुल फाइबर डाल देना है अंदर से, और इसके बाद पूरी बॉडी में ऐसे ही फाइबर डालना है। ये देखिए फ्रेंड, हमने इसे पूरा अच्छे से फाइबर डाल लिया है। अभी हम इसको सिलाई लगा के बंद कर देंगे। तो ये देखिए सबसे पहले आप जब भी फ्रेंड ये सिलाई करें इसको, तो आप ये बड़ी सुई का इस्तेमाल करें। ये देखिए सबसे पहले इसको अंदर से ऐसे सुई को डाल के, और इसके वैसे इसको इधर से ऐसे सिलाई लगानी है। ऐसे फ्रेंड ये देख सकते हैं, ये खींचने के बाद ये पता भी नहीं चलेगा, ये बिल्कुल जुट जाएगा।
ये देखिए फ्रेंड, लगभग ये हमारा हो चुका है। ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा हो गया। अभी हम यहाँ पे इसको गांठ लगा के कट कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड, पता भी नहीं चल रहा है और ये हमारा पैट हो गया है। इसके बाद फ्रेंड हम इसका जो लेग है उसे अटैच करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, हमने इसको सिलने के लिए बता रखा था, ये तैयार है। सबसे पहले इसको सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद इसमें फाइबर डालेंगे। ये देखिए, ये सीधा हो गया है। अभी हम इसको इसमें फाइबर डालेंगे और फाइबर डालने के बाद इसको पैक करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमने इसमें इसके पैर में फाइबर डाल के इसको सिलाई लगा लिया है। देख सकते हैं फ्रेंड, जैसे हमने इसके बैक साइड का सिलाई किया था वैसे इसमें बिल्कुल टाइटली ये फाइबर डाल के इसका सिलाई लगा लेना है। इसके बाद फ्रेंड, इसके सिलाई लगाने के बाद इसको हमें यहाँ पे जो इसका ये टमी का साइड है यहाँ पे इसे अटैच कर देना है ऐसे। ये देखिए ऐसे यहाँ पे इसको हमें ऐसे अटैच कर देना है यहाँ पे इसको। तो यहाँ पे हम इसको सिलाई लगाते हैं। सबसे पहले आप बड़ी वाली सुई का इस्तेमाल करें और ये देखिए, पहले हमें इसमें गांठ लगा लेना है। और इसके बाद ऐसे करते हुए इसको हमें ऐसे पूरे दोनों पैरों की सिलाई लगा देनी है। ये देखिए फ्रेंड, हमने इसका जो लेग है इसे अटैच कर लिया है, देख सकते हैं आप। और इसके बाद फ्रेंड हम इसका जो ये पंख है उसको अटैच करेंगे। जैसे कि मैंने आपको इसको सिलने का पहले ही बता रखा था, तो बस इसे को हमें अब अटैच करना है फ्रेंड। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड, इसके पंख में मैंने एक ये छोटा सा सिलाई किया है। जैसे कि देख सकते हैं, ये ब्लैक वाला जो पार्ट है इसको ऐसे पकड़ के, छोटा सा ऐसे पकड़ के और ऐसे फोल्ड करना है। ये देखिए ऐसे, और ये ऐसे फोल्ड करने के बाद इसको सिलाई लगा देना है। ये देखिए, बस छोटा सा टाका देना है फ्रेंड इसको। ये देखिए, ये हो गया। इसके बाद फ्रेंड इसको हमें अटैच करना है। ये देखिए, एक पंख इसके इस साइड अटैच होगा, इसके ऊपर से हमें इसकी सिलाई लगानी है। ये देखिए, ये जो इसका पेट का ये जो सिलाई है फ्रेंड, यहीं से रखकर इसको ऐसे सिलाई लगाना है, यहाँ पे इसको अटैच कर देना है। और इसका दूसरा पंख इस साइड से ऐसे इसे बिल्कुल अटैच कर देना है। तो ये देखिए इसकी सिलाई कैसे लगानी है। सुई को पहले डाल लें, यहाँ पे गांठ बना लें, इसके बाद इसको यहाँ रखना है और अंदर से ऐसे डाल के ये देखिए, और फिर यहीं पे छोटा सा और ऐसे निकाल लेना है। फिर यहाँ पे हमें छोटा सा डाल के ये देखिए, ये दिख भी नहीं रहा है, आप देख सकते हैं। ऐसे ही करके हमें इसको सिलाई लगा देना है और फिर दूसरे वाले पंख को इस साइड से सिलाई लगा देनी है। ये देखिए फ्रेंड, हमने इसका जो पंख है इसको बिल्कुल अच्छे से अटैच कर लिया है फ्रेंड, देख सकते हैं।
फ्रेंड एक चीज मेरे माइंड से निकल गया था, मैं आपको ही बता देती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका पंख तो लग चुका है, इसकी पूंछ नहीं लगी है, और मैंने आपको इसकी सिलाई भी नहीं बताई है। तो फ्रेंड ये देखिए, जिस वाले ड्राप से हमने इसका पंख कट किया था, उसी वाले ड्राप से इसका पूंछ भी कट करना है। तो जैसे कि एक वाला, एक इसका ये फर वाले पे और एक ब्लैक वाले हिस्से पे मैंने बताया था, वैसे ही। तो ये देखिए मैंने इसको तैयार कर लिया है फ्रेंड, जैसे पंख जैसे हमने इसका तैयार किया था बिल्कुल वैसे ही इसको भी तैयार करना है, देख सकते हैं। और जैसे ये बीच में फोल्ड करना था थोड़ा सा, वैसे यहाँ पे थोड़ा सा फोल्ड करना है, देख सकते हैं। बिल्कुल जैसे हमने पंख को तैयार किया था वैसे इसे भी तैयार करना है। हमें याद रखना है फ्रेंड, आपको ड्राफ्ट पे लिखा हुआ मिलेगा, जैसे कि मैंने इस पे लिखा है टू फॉर टू फील्ड, तो नहीं फ्रेंड, क्या करना है आपको, थ्री फील्ड पे काटना है और थ्री पार्ट ये फर वाले पे काटना है, ताकि ये दो ये पंख के लिए हो जाएगा और ये जो तीसरा पार्ट बचेगा ये इसका पूंछ होगा। मेरे माइंड से निकल गया था, तो इसी वाले पार्ट का हमें इसका पूंछ के लिए भी कट करना है। तो ये देखिए जैसे मैं फर इसके पंख का तैयार करना था बिल्कुल वैसे ही मैंने इसको भी तैयार कर लिया है। अभी इसके बाद हम इसको यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे, ये देखिए। तो इसके बैक हिस्से पे यहाँ पे ऊपर से थोड़ा सा नीचे, जैसे यहाँ से 5 इंच छोड़कर फ्रेंड, और यहाँ पे हम इसको ऐसे अटैच करेंगे। तो जैसे फ्रेंड हमने पंख अटैच किया था वैसे ही इस वाले को भी यहाँ पे अटैच कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड हमने इसका जो ये पूंछ है इसे अटैच कर दिया है, देख सकते हैं आप। अभी जाके फ्रेंड ये हमारा जो तोता है बिल्कुल रेडी हो चुका है, देख सकते हैं काफी प्यारा लग रहा है फ्रेंड। फ्रेंड मैंने एक और तोता बनाया है, ये देख सकते हैं, इसी के शेप में मैंने बनाया है दो दो तोता, देख सकते हैं फ्रेंड। फ्रेंड जितना हमें इसमें कपड़ा लगा था उसी कपड़े में इस वाले को ही बनाया, मतलब बनाया है मैंने, मतलब कि आप एक तोते के लिए खरीदिए उसमें से ये दोनों तोता आराम से बन सकता है, देख सकते हैं काफी प्यारा। आप कहीं भी इसको डेकोरेट करके रख सकते हैं, अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं, किसी को बना के गिफ्ट कर सकते हैं, एंड ये काफी प्यारा है, देख सकते हैं। तो फ्रेंड अगर आपको ये तोता पसंद आया तो प्लीज आप भी जरूर घर पे ट्राई करें, बहुत ही इजी है इसे बनाना। फ्रेंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, एंड बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। एंड शेयर करना ना भूले फ्रेंड, ताकि आपकी तरह दूसरे लोग भी घर बैठे इसको इजिली तरीके से बना सके। एंड लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।